आप मुझे कोई बंदी ढूंढ देंगी? मैं आपको क्या रिश्ते कराने वाली मासी लगती हूँ? नंबर ही दे दें आप अपना। मैं आपको नंबर क्यों दूँ? आई एम एंगेज्ड ऑलरेडी। बहुत शुक्रिया यार। ये ना यार, शुक्र अंकल। ये भी था, ये प्रो मैक्स भी थी अंकल ने ना। वो की मेरी है यहाँ से, ये आपकी है। चला नंबर से बात कर ली। आए एक्सक्यूज मी, क्या है ये? इफ यू डोंट माइंड, आपके ना यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। सॉरी, क्यूटनेस लग रही है शायद। क्या है ना? मैं एक्चुअली ना आपसे बात करना चाह रहा था, मैं इधर बैठ जाऊँ। वो एक्चुअली ना मेरे ना पाँव में बहुत चोट, जोर से चोट लगी, पानी में फिसल गया सारा ना, कि गीला हो गया। अच्छा। मैं बहुत परेशान भी हूँ। असल में ना मेरे सब दोस्तों के पास ना बंदी है, तो मेरे पास बंदी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई बंदी ढूंढ देंगी? मैं आपको क्या रिश्ते कराने वाली मासी लगती हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि आप ही बन जाए मुझे, तो वैसे कोई लड़की पसंद भी नहीं आपके अलावा। यकीन करें, पहला नजर पे उसको कहते ना प्यार हो जाना, वो हो गया आपसे। आपको बैठने के लिए जगह दी है। वो एक्चुअली ना अब दोस्तों के साथ ना मेरी वो सीन चल रहा है ना, कि तू प्यारी बंदी नहीं ले सकता। देखिए, हम खुद देख के बताएं कि मेरे में कोई कमी लग रही है आपको? आप बताएं जरा, इतना प्यारा लड़का तो आपने भी कभी नहीं देखा होगा। नहीं देखा ना आपने? सच बताएं। चल बस, बहुत चंगा ना मैं। यार वो नंबर ही दे दें आप अपना। हम नहीं देगा, भूल जा। मैं आपको नंबर क्यों दूं? आई एम एंगेज्ड ऑलरेडी, सॉरी। क्या? चलो कोई बात नहीं, अभी आप एंगेज है ना, शादी तो नहीं हुई ना आपकी? क्या बात है सर? तो होने वाली है। तो और मैं चलो कोई नहीं, 10-15 दिन तो आप मेरे से कॉम्प्रोमाइज कर लेना। मेरे दोस्तों का सवाल है, प्लीज मान ले। देखिए मेरे पास 70 है, बाइक पड़ी हुई है। देखिए मेरे पास 70 है बाइक है। आप चलते हैं कॉफी शॉपी पीने, जो मर्जी कहेंगे। आपको बुलाऊंगा ढाबे शाबे से, जहाँ से मतलब जैसे भी दिल करे आपका। मैं आपको ढाबे से जाने वाली लगती हूँ? नहीं, मेरा मतलब गाड़ी बाइक। क्या पता उसकी भी ना हो। सही पकड़े हैं। आ जाएं प्लीज, मैं आपको कुछ खिला देता हूँ ना, आप समझे बात को। सिचुएशन देखिए, मैं बहुत 25 साल से मैं सिंगल हूँ, यकीन करें, बड़ी तलब है। देखिए मेरा पाँव है ना, वो ऐसे ठीक नहीं होगा, उसको प्यार की कमी है उसके अंदर। आपको लग रहा होगा मैं पागल वाली बातें कर रहा हूँ। आपने बुलाया इसे? रुक, तेरे को बता दे। मेरे ऊपर तरफ इशारे क्यों कर रही है भाई? मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी बहन है ये। आपने कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया भाई, वो रात को आपने एक अंकल की हेल्प की थी। आपका नाम हसन है? हाँ 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 हाँ। आपने रात को एक अंकल की एक्सीडेंट हुआ था, उनकी मैंने की थी, बड़े बूढ़े थे बेचारे ना यार, वो ना अल्लाह को प्यारे हो गए उनके ना। लगी तो थी ये ना, उन्होंने ये बाइक आपको गिफ्ट की है। उन्होंने नसीहत की कि मेरी ना ये बाइक वो बच्चे को, जिसने मदद की उसको देना। ये बाइक आपको दी थी, ये देना। और अब है कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। मैं यार उनका वकील हूँ। अच्छा। मैं ना उनके पास ही था। और ये पैसे भी हैं, ये पैसे भी ना ये नीचे गिर गए। 10-10 रुपए। मैं गरीब हूँ। ये भी हैं, ये पूरे 1,01,110 रुपए हैं। बड़े अंकल ने मुसीबत में रखा है। अंकल ने ये बड़े गिन के रखे हुए थे। बहुत शुक्रिया यार। ये ना यार, शुक्र अंकल। ये भी था, ये प्रो मैक्स भी थी अंकल ने ना। ओके, बहुत शुक्रिया यार। देख रहे थे ना पकड़ के वो वाला। बहुत शुक्रिया यार। चलो यार, मेरी है यहाँ से, ये आपकी है, चला के देखो इसको, जाओ मजे कर। अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ खिलाओ पिलाओ, जाओ कॉफी पे लेके जाओ। अच्छा, इतनी खुशी है मुझे यार, बाइक मिल गई। तो नंबर की बात कर रही थी यार। हाँ, नंबर चाहिए था यार। अब तो बाइक भी आ गया, अब तो ये पसंद थी ना बाइक, तो अब चलते हैं हम इसी बाइक पे। नंबर यार प्लीज लिख देना। शुक्र है यार, कोई यार लड़की। ये आधे ये पैसे ना आधे, बल्कि आप खुद भी रख लेने, अभी उधर जाके देता हूँ अभी। नहीं ओके, क्या हुआ भाई? नहीं नहीं बहन है मेरी, क्या मतलब आते साथ ही तू जा रहा, तेरी नहीं थी? क्या मतलब? ये हसन की थी। ये हसन तेरा नाम हुसैन है ना? नहीं, मेरा नाम तो हसन है। वाह, तूने नाम ही बदल लिया। मैंने जो नाम का वो कर लिया तूने। ये दे, ये तेरी नहीं थी, वो पैसे भी दे। नहीं नहीं, वो मेरी थी अंकल, तो मैंने मदद की थी। तू रात को था ही नहीं, मैं वही मतलब ख्वाब में की थी ना, मतलब मैं ख्वाब का सिला। ये असल में मिल रहा, ख्वाब का सिला नहीं मिलता थे इधर यार भाई। यार वो मेरी बंदू, उसने उसको बाइक पसंद है ना भाई? बाइक पसंद है, अपनी खरीद के आ गया। मदद की थी तो असल में मदद किया, अगर ख्वाब में ख्वाब तो मतलब ये था असल में मदद।
वो भाई वो उसने जाना नहीं ना मेरे साथ, उसने कमिटमेंट हुई थी भी। घर कमिटमेंट जो कर रहा था तेरी थोड़ी है। वो मैं कह रहा था कि दूसरी बाइक पे चले जाते हैं ना। आप कौन? मैं नहीं जानती। अभी तो आपने नंबर दिया है। मैंने कब नंबर दिया? डिलीट करो उसे। वो तो उसके मोबाइल में है। तो अभी आप तो आ जाए ना। नहीं वो भी चल तो रही थी यहाँ मेरे साथ। क्या काम करा? क्यों हुआ क्या अभी? अभी आप कहते तो चलना है। मेरा माइंड चेंज हो गया, आप जाओ। देखिए आप कोई कंप्यूटर है, कोई हार्डवेयर चेयर हो, चेंज हो गया आपका। देखिए ऐसा ना करें, मेरा दिल टूट जाएगा। तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ? मैं मर जाऊँ? यहाँ से चले। देखिए अपना मेरा अपना नंबर लिख दे मुझे। नहीं लिख दे प्लीज। उठते हो कि नहीं? उस मोबाइल में चल गया था। देखिए मुझे तो पहले यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ जा रही है। उठो यहाँ से चलो, मेरा दिमाग ना खराब करो। पहले ही तुमने बहुत देर टाइम वेस्ट किया। चलो उठो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से भागो। देखिए बाइक देख के आप आ रही थी, वैसे क्यों नहीं आ रही थी? हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों ना डील करना होता। A few moments later. Excuse me, वो उसने ना मुझे वापस दे दिया ये ना। वो एक्चुअली मैंने आपको ये बताना था कि वो जो आपको 70 बता रहा था ना, वो भी मेरी थी और ये भी मेरी थी। वो मेरा दोस्त थी एक्चुअली ना, हम एक टेस्ट कर रहे थे, गोल्ड डिगर टेस्ट। सो यू आर गोल्ड डिगर। बड़ी